हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा राधे राधे तो आज है धनतेरस और धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं तो अभी सुबह का टाइम है और पूजा हमने कर ली है और ये मैंने शालीग्राम जी को जो है तुलसी का पत्ता भी दे दिया है तो पूजा सारी गई है और बस अभी दीपदान करने हैं तो ये देखिए यहाँ पर विराजमान है हमारे बाल गोपाल और बिहारी जी तो इनका भी स्नान श्रृंगार सब हो गया है और आज इन्होंने जो है पीले कलर की ड्रेस डाली है तो वैसे मैंने गोपाल जी के लिए नई ड्रेस सिली थी पर गोपाल जी की लगता इच्छा नहीं थी वो डालने की तो इसीलिए मैंने जो है इनको यही डाल दी है तो जो होता है हरी इच्छा से ही होता है तो देखो अब वो ड्रेस कब डालते हैं गोपाल जी तो ये वाली जो गोपाल जी की ड्रेस है ये भी मैंने घर पर ही सिली थी तो ज्यादा तो मुझे सिलाई करना नहीं आता पर लेकिन जैसी भी मेरे से सिल पाती है गोपाल जी की ड्रेस वो मैं सिलती हूँ क्योंकि इसलिए मार्केट से ना हमारे यहाँ पर जो है गोपाल जी का जो सामान है वो कम ही मिल पाता है तो कमी तो क्या जन्माष्टमी पे तो फिर थोड़ा बहुत मिल जाता है लेकिन अब जैसे दिवाली का त्यौहार तो भी है तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा त्यौहार है तो क्या पता आप गोपाल जी की जो ड्रेसें पगड़ियाँ वगैरह आई होंगी मार्केट में पर लेकिन मतलब कि मार्केट में तो क्या बाहर जो सामान वगैरह लगता है वो तो दिवाली से रिलेटेड ही लगेगा क्योंकि अब दिवाली है तो पर लेकिन जो दुकानें हैं ना जहाँ से गोपाल जी की एक्सेसरीज वगैरह मिलती है तो वहाँ से भी जो है मुझे पगड़ी या ड्रेसें वगैरह अभी कुछ भी नहीं मिली तो क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो गया है तो वो दुकान वाले भैया कह रहे थे कि अब जो है गोपाल जी की बुलन ड्रेसें वगैरह ही चलेंगी तो अब जब भी माल आएगा तो बुलन का ही आएगा तो क्योंकि अब त्यौहार है तो त्यौहारों पे भी इनको कुछ ऐसा सामान रखना चाहिए क्योंकि ड्रेसें वगैरह जैसे हम न्यू कपड़े वगैरह डालते हैं त्यौहारों पर या दिवाली पे भी तो गोपाल जी ने भी तो डालने होते हैं तो बस यही बात थी बस कुछ भी नहीं मिला गोपाल जी का सामान पर चलो कोई बात नहीं तो गोपाल जी की जो बुलन ड्रेसें होती है ना पोशाकें वो तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ क्योंकि बाहर से मैंने कितनी बार खरीदी हैं गोपाल जी की उन्हीं ड्रेसें तो उनका जो साइज़ है वो परफेक्ट नहीं आता या तो एकदम टाइट होता है या एकदम लूज होती है तो ऐसी ड्रेसें आती हैं तो गोपाल जी की जो ड्रेसें होती हैं वो मैं घर पर ही बनाती हूँ ऊन वाली भी तो बस अब मैं आ गई हूँ रसोई में और अब बनाऊँगी सब्जी तो सब्जी जो है मैं आज आलू गोभी की बना रही हूँ क्योंकि अंजलि का टिफिन पैक करना है वैसे उसके कॉलेज की तो छुट्टी है पर लेकिन अंजलि जो है एकेडमी भी जाती है तो इसीलिए उसका टिफ़िन भी मुझे पैक करना है तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैंने सोचा ये जो फूल गोपाल जी को भगवान जी को चढ़े हुए होते हैं ना तो ये मैंने रखे हुए थे तो ये भी मैंने तोड़ लिए हैं और इनको मैं डाल दूंगी मिट्टी में तो तेल जैसे ही गर्म हो गया था तो इसमें मैंने जो है ना अदरक डाल दिया था कद्दूकस करके ज़्यादा सारा क्योंकि आलू गोभी में जो है अदरक काफ़ी टेस्टी लगता है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी रखा हुआ था तो वो भी मैंने डाल दिया था वैसे मैं आलू गोभी में कड़ी पत्ता डालती नहीं हूँ पर रखा हुआ था मैंने सोचा चलो आज ये भी डाल के देखते हैं तो जो आलू गोभी है ना इसको मैंने थोड़ी देर फ्राई करा और उसके बाद जो है नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल दिया जो भी मसाले डालने थे और एक टमाटर इसमें मैंने ऊपर से काट के डाल दिया तो मैंने जो है ना पहले टमाटर नहीं डाला था तो अब डाल दिया है तो अभी सब्ज़ी जो है कम गैस पे मैंने रख दिया है तो सब्जी जब तक बनेगी तब तक जो है मैं साथ में फुलके भी उतार लेती हूँ तो सबसे पहले एक गाय माता के लिए मैं बनाऊँगी उसके बाद गोपाल जी के लिए दो फुलके बना दूँगी और फिर बनाऊँगी अंजलि के टिफ़िन के लिए तो आज जो है बाजार भी जाना है क्योंकि धनतेरस है तो धनतेरस वाले बर्तनों की खरीदारी या चांदी सोने की खरीदारी करी जाती है तो चांदी सोना तो नहीं मैं खरीदने वाली पर बर्तन भी मैं सोच रही हूँ कि क्या लूँ क्योंकि बर्तन भी सारे रखे हुए हैं तो देखूंगी बाजार जाके कि जो मंदिर से रिलेटेड ही कोई चीज़ मैं लूँगी बर्तन में तो क्योंकि ना हमारे अपने घर में भी काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए हैं तो इधर हम आपको पता ही है रेंट पे रहते हैं तो इधर इतने बर्तन वगैरह रखने की जगह है नहीं है तो ले कर मुझे वहाँ पर ही रखना पड़ेगा तो इसलिए मैं सोच रही हूँ चलो मंदिर का ही कोई चीज़ ले लूँगी मैं और अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने स्टील का कुकर और कढ़ाई भी लिया है तो जो आप मेरी वीडियो में कुकर देखते हो ना स्टील का तो वो भी थोड़े टाइम पहले ही मैंने लिया था तो इसीलिए अभी कुछ लेने की इच्छा भी नहीं थी मेरी तो बस अंजलि का टिफ़िन हो गया पैक तो ये इसको मैं दे देती हूँ क्योंकि अंजलि भी हो गई है तैयार तो अंजलि पढ़ने के साथ साथ बच्चों को पढ़ाती भी है अकेडमी भी जाती है तो इसीलिए इसको आज भी जाना पड़ेगा तो इसकी जो है छुट्टी दिवाली वाले दिन ही होगी Hello everyone. See so, you next. Know? तो अंजलि की जो खांसी है पहले से थोड़ी कम है तो काढ़ा वगैरह पीने के लिए तो इसने मना कर दिया था तो दवाई तो ये ले ही रही थी पहले भी लेकिन अब ये ना पीने वाली दवाई लेके आई थी तो उससे थोड़ा सा इसको आराम आया है तो इस बारी जो इसको खांसी लगी थी काफ़ी टाइम लगी रही है तो अब मैं आ गई हूँ छत पर और ये कपड़े जो हैं ये डाल दिए जाएँ सूखने के लिए तो ये जो मोटे कपड़े होते हैं ना जैसे पैंटें वगैरह होती हैं या लोवर वगैरह होते हैं तो ये मैं छत पे ही डालती हूँ क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया तो ये नीचे सूखते भी नहीं है तो जो नीचे वाली रस्सी है उधर तो खाली टॉप वगैरह ही आते हैं वैसे भी और नीचे इतने कपड़े आते भी नहीं हैं तो बच्चों वाला घर है तो कपड़े भी काफ़ी हो जाते हैं तो कल परसों मैंने झाड़ू लगा के ना ये छत पर कूड़ा इकट्ठा कर दिया था तो ये भी मैं उठा लूँगी और छत पर वैसे अभी एक बारी और झाड़ू लगाना है मुझे क्योंकि ना रेत वगैरह काफ़ी हो जाती है तो जब नीचे से भी मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ तो वहाँ से भी रोज़ रे रेत निकलती है तो छत पर तो वैसे भी कभी कभी लगता है तो बस अब ये जो बर्तन थे पूजा वाले ये भी मैंने मांज लिए हैं तो मैं वैसे सल्यूशन बना के इनको मांजती हूँ लेकिन इस बारी जो है ना मैं पिताम्बरी पाउडर जो होता है तामरी पाउडर लेके आई थी पिताम्बरी होता है एक और जो पतंजलि वालों का है वो तामरी पाउडर है ताम्र पाउडर है सॉरी तो वो लेके आई थी तो मैंने सोचा चलो इस बार यही ट्राई करा जाए तो क्या पता मुझे सोल्यूशन से मानने में थोड़ा टाइम लगता हो तो इससे जल्दी हो जाएगा काम तो लेके आई थी पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उतना ही टाइम लगा तो सोल्यूशन बना के जब मैं धोती हूँ ना बर्तन साफ़ करती हूँ तो तब भी उससे बल्कि ज़्यादा अच्छे से साफ हो जाते हैं लेकिन जो पाउडर से हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम तो नहीं लाने वाली पर लेकिन जो पड़ा हुआ है अब उसको तो यूज़ करना ही पड़ेगा तो उससे जो है ज़्यादा अच्छे से भी नहीं साफ हुए हैं बर्तन तो जो सल्यूशन जिससे मैं करती हूँ ना साफ उससे ज़्यादा अच्छे से चमक जाते हैं तो काफ़ी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है और तांबे पीतल के बर्तन मैं कैसे साफ करती हूँ इस पर तो मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है अपने चैनल पर तो काफ़ी टाइम पहले करी थी अगर आप कहेंगे तो दोबारा शेयर कर दूँगी आपके साथ और ये देखिए ये जो ट्रॉली है ना इस पर जो दीपक वगैरह जैसे हम जगाते हैं तो ये जो है ये भी चटकने लग गए हैं तो कन्नू हो गया है तैयार क्योंकि अब दोपहर का टाइम हो गया है तो इसका जो है मैंने हेयर स्टाइल कर दिया है नहा धो के हो गया ये तैयार तो वैसे जब बाजार जाना होता है तो फिर हम शाम के टाइम ही जाते हैं तो अभी दोपहर के टाइम जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि धनतेरस है तो शाम के टाइम जो है पूजा भी करनी है तो इसीलिए जो भी चीज़ खरीदनी है वो अभी ख़रीद लेंगे और शाम के टाइम जो पूजा भी अच्छे से हो जाएगी तो अभी जो है हम मम्मी का वेट कर रहे हैं तो मम्मी भी आ रही है उन्होंने भी कुछ चीज़ें लेनी है तो इसीलिए फिर मैंने उनको इधर ही बुला लिया था मैंने कहा था फिर हम इकट्ठे ही चलेंगे तो वैसे तो बाज़ार जब जाना होता है तो एक्टिवा पे ही जाते हैं हम लेकिन क्योंकि अब त्यौहार का टाइम है तो बाजार में काफ़ी भीड़ होगी तो इसीलिए जो है फिर आज हम पैदल ही जा रहे हैं तो क्योंकि मम्मी को आने में भी टाइम है तो मैंने सोचा चलो ये चावल भी बना ही लेती हूँ मैं क्योंकि आज ना द्वादशी है तो सुबह मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली थी तो द्वादशी वाले दिन जो है फिर चावल तो बनते ही बनते हैं तो मैंने फटाफट से ये नमकीन चावल से ही बना लिए थे तो गोपाल जी को भी भोग लगा दिया है और हमने भी जो है प्रसाद खा लिया है और अब हम जाएंगे बाज़ार तो बाजार में आ गई हूँ और अब जो है मैं गोपाल जी के लिए ही देख रही हूँ कुछ चीज़ पर लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामान वगैरह जो है ना मिल नहीं पा रहा गोपाल जी का तो पगड़ी वगैरह भी मैंने पूछी थी तो इनके पास वो भी नहीं थी पर एक पगड़ी मेरे को मिलेगी गोपाल जी के लिए पर लेकिन वो भी साइज मुझे जो है छोटा लग रहा है तो वैसे मैंने ले लिया है चलो कोई बात नहीं देखेंगे अगर आ गई पगड़ी तो ठीक है नहीं तो फिर मैं अपने हाथ से ही जो है गोपाल जी को पगड़ी बांधूंगी और अब मैं आ गई थी बर्तन वाली दुकान पे तो स्टील वगैरह का तो मुझे कुछ लेना नहीं था और पूजा का जो सामान है ये भी जैसे अखंड जोत वगैरह जो है ये भी मैं देख रही थी पर लेकिन ये भी मेरे पास रखी हुई थी और लोटे भी काफ़ी रखे हुए तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे लेने के लिए तो फिर मैंने जो है मंदिर के लिए घंटी एक ली पीतल की और वैसे घंटी भी रखी हुई थी पर जैसे कि खरीद नहीं होता है कुछ तो फिर मैंने घंटी ले ली थी तो ये देखिए ये है हमारे यहाँ की जो मार्केट तो वैसे तो बाजार में इतनी भीड़ नहीं थी पर लेकिन जो बर्तनों वाली दुकानें हैं ना उनमें काफ़ी भीड़ थी तो अंदर जाने की भी जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था तो इसीलिए बाहर से मुझे जो चीज़ दिखी तो वो मैंने ले ली तो बस जो भी शॉपिंग करनी थी धनतेरस के दिन जो जरूरी चीज़ें खरीदनी होती है जैसे झाड़ू भी खरीदना होता है तो वो भी मैंने ले लिया था और साबुत धनिया भी ले लिया था तो आज के दिन जो है साबुत धनिया ख़रीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है तो बस अब चलते हैं घर और अब हो गई है संध्या टाइम तो धनतेरस की जो पूजा होती है वो भी मैंने कर लिया है क्योंकि मंदिर में ही करी है अलग से चौकी नहीं लगाई है और धनतेरस के दिन जो है तेरा दिए भी जगाए जाते हैं तो यहाँ पर जो है कन्नू भी मेरे साथ जो है दिए जगा रही है तो धनतेरस से ही जो है दिवाली का त्यौहार तो शुरू हो जाता है यानी कि ये पाँच दिनों का जो है त्यौहार तो चलता है दिवाली का यानी कि जैसे धनतेरस हो गया नरक चतुर्थी हो गई और दिवाली हो गई गोवर्धन पूजा होगी और भैया दूज हो गया तो ये पांच दिन का जो है पर्व मनाया जाता है तो इस बारी जो है दिवाली को लेके भी सबके मन में दुविधा है क्योंकि कई लोग जो है इकतीस तारीख को दिवाली मना रहे हैं कहीं एक को मना रहे हैं क्योंकि हम भी इकतीस को ही मना रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इकतीस तारीख की जो रात को अमावस्या तिथि हैगी लेकिन एक तारीख की रात को अमावस्या तिथि नहीं रहेगी क्योंकि शाम के टाइम ही खत्म हो जाएगी तो शाम के टाइम यानी छह बजे के करीब जो है अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी तो इसीलिए जो है दिवाली इकतीस तारीख को हम मना रहे हैं और आपके यहाँ पर दिवाली कब मना रहे हैं किस तारीख को मना रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे हैप्पी धनतेरस हैप्पी दिवाली